Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now, today we are going to discuss Bessel norms. ठीक है, आज की वीडियो में हम Bessel norms के बारे में पढ़ेंगे. Bessel norms पढ़ने से पहले मैं बता दूँ, जिन्होंने CAR ना पढ़ा हो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और CRAR ना पढ़ा हो, वो मेरी आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगी या प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में बैंकिंग के नाम से आप उसमें भी विजिट कर सकते हो. ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करिए. अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करिए, इससे आप ही को बेनिफिट होगा, मैं ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँगी. ठीक है, नाउ हम डिस्कस करने जा रहे हैं Bessel norms. देखो Bessel norms है क्या, देखो Bessel norms का जन्म क्यों हुआ. Bessel norms बेसिकली बैंकों में कुछ norms है ना, बैंकों में कुछ norms सेटअप किए जा सके, कुछ स्टैंडर्ड सेटअप किए जा सके, जिसके तहत बैंक अपना रेगुलेशन करें, बैंक प्रॉपर फंक्शनिंग करें. ठीक है, अब ये कौन करेगा, ये करेगा BIS करेगा. BIS कौन है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट. अब इसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसी के BIS के इस्टेब्लिशमेंट से ही हमारे Bessel norms प्रॉपर रन करते हैं. अब BIS क्यों इस्टेब्लिश हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था, BIS इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 17 मई 1930 को. ठीक है, वो इसलिए इस्टेब्लिश हुआ था कि भाई बैंक के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, उनके तहत बैंक रन करेगा. ठीक, ये बता दिया मैंने, Bessel norms BIS के तहत. अब अगर हम बात करें कि जो हमारा Bessel norms है, Bessel है क्या, Bessel बेसिकली एक सिटी है, कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड में. ठीक है, और इट्स हेडक्वार्टर, इट्स एन हेडक्वार्टर ऑफ BIS. ठीक है, BIS का हेडक्वार्टर है, जिसे ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बोलते हैं. ठीक, अब अगर हम बात करें BIS में बेसिकली 60 मेंबर कंट्रीज़ थी, पूरे दुनिया से या फिर पूरे विश्व से हम बोल सकते हैं कि 60 मेंबर कंट्रीज़ थी, है ना, जिन्होंने इसमें मतलब पार्ट लिया, और जो कि हमारा 95% कवर करता है, GDP का 95% हमारा ये कवर करता है ना, पूरे वर्ल्ड से. अब अगर हम बात करें कि Bessel norms में मतलब गोल क्या था, गोल यही है इनका कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना है और बैंक्स के स्टैंडर्ड फिक्स होंगे, जिससे वो प्रॉपर रन करेंगी. अब इसमें बेसिकली तीन Bessel आए, Bessel 1, Bessel 2, Bessel 3. अब देखो Bessel 1 जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, इस Bessel 1 आया था बेसिकली 1988 में आया था. ठीक है, उसके जस्ट 11 साल बाद 1999 में इंडिया ने फॉलो किया था Bessel 1. ठीक, अब Bessel 1 में बेसिकली फोकस किया गया था क्रेडिट रिस्क पे, किस पे फोकस किया गया था, क्रेडिट रिस्क पे. अब अगर हम बात करें कि Bessel 1 में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी थी, तो रिस्क वेटेड एसेट्स पे 8% थी. कल भी मैंने बताया था CAR और CRAR में भी कि 8% कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक, इंडिया ने कितनी मानी थी, 9%, 1% वो एक्स्ट्रा लेके चलता है, मैंने बताया था. ठीक, तो अगर Bessel 1 के बारे में पूछा जाए तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती कि Bessel 1 में यही है. फिर उसके बाद हमारा आया Bessel 2. Bessel 2 हमारा आया था 2004 में. इसमें भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी हमारी वो 8% ही थी. ठीक है, इंडिया ने इसे कब फॉलो किया, इंडिया ने इसे 2009 में फॉलो किया. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे अराइज होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है, आपसे पूछेंगे Bessel 2 में जो आपके पिलर्स हैं, कितने पिलर्स हैं, आपको पता होना चाहिए तीन पिलर्स हैं Bessel 2 में हमारे, बेसिकली तीन पिलर्स हैं, फर्स्ट पिलर, सेकेंड पिलर एंड थर्ड पिलर. फर्स्ट पिलर जो है हमारा वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को दर्शाता है, कि मतलब मिनिमम इतनी कैपिटल आपको रखनी है, बैंकों को मिनिमम इतनी कैपिटल रखनी है, मिनिमम 8% कैपिटल रखनी है जितना कि वो लोन दे रही हैं. ठीक है, अगर कुछ पर्सन नहीं दे पाते हैं तो वो अपने स्प्रेड से उसे कंपनसेट कर लेंगी, बैंक को मतलब उतना लॉस नहीं होगा कि बिल्कुल, मतलब कुछ लॉस होगा, कुछ वो फुलफिल कर लेंगे. ठीक है, नाउ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पिलर वन में आती है Bessel 2 के अंडर. नंबर टू है सुपरविजरी रिव्यू, दूसरा सुपरविजरी रिव्यू है, मतलब बैंकों को सुपरविजरी रिव्यू भी करते रहना चाहिए, जिससे कि मतलब सुपरवाइज करते रहना चाहिए कि हमारे क्या नॉर्म्स हैं. ठीक है, कैसा हमने लोन दिया है, किसके अकॉर्डिंग, कौन से हमारे रिस्क फ्री हैं, कौन रिस्कियर है, कौन पब्लिक लोन है, इस हिसाब से. ठीक, नंबर थ्री, पिलर थ्री जो है वो हमारा मार्केट डिसिप्लिन है, कि बैंक को प्रॉपर मार्केट
का सर्वे करते रहना चाहिए कि मार्केट में कैसा क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, ये हमारे पिलर 3 में आ गया, जो कि हमारे बेसल 2 में आ गया। अब देखो, बेसल 2 की वजह से ही 2008 में यूएसए में क्राइसिस हुई थी, बहुत बड़ी क्राइसिस हुई थी और काफ़ी देश इससे प्रभावित हुए थे। हालांकि हमारा इंडिया बहुत कम प्रभावित हुआ था, ये बहुत अच्छी बात है, हमारा इंडिया काफ़ी कम प्रभावित हुआ था। तो इसी में कुछ मतलब डिसएडवांटेज रह गए थे, इनको फुलफ़िल करने के लिए हमारा बेसल 3 आया। ठीक है, कब क्या आया? बेसल 3 आया, बेसल 3 हमारा 2010 में आया और इंडिया और जो कि 2010 में आया, बट ये फंक्शन में कब आया? जून 2011 में ये फंक्शन में आया। इसके मेजर्स क्या थे कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल करना, और हमारा CAR को देखना, रिस्क वेटेड एसेट्स को देखना, ठीक है, और हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें हैं उसे इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें हमारी बेसल 3 में हुई थी। मोस्ट एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द बेसल 3 इज़ कि भाई RBI ने, हमारे इंडिया ने क्या, मतलब हमारे इंडिया ने क्या किया बेसल 3 में? इंडिया ने बोला कि भाई बेसल 3 जो हम अडॉप्ट करेंगे वो कब से करेंगे? 31 मार्च 2019 से करेंगे, पहली बात। दूसरी, इंडिया ने ये बोला कि भाई जितना, जैसे हमने आपको बताया कि CAR का फॉर्मूला होता है Tier 1 + Tier 2 / RWA, तो Tier 1 + Tier 2 / RWA जो है रिस्क वेटेड एसेट्स है, तो रिस्क वेटेड एसेट्स उन्होंने बोला मान लो 120 करोड़ है, ठीक है, तो मैंने बताया इंडिया जो रखेगी वो 9%, 120 करोड़ का 9% 1.8 अराउंड कुछ आएगा, ठीक है, 1.8 करोड़ के अराउंड आएगा। तो इतना ये आपका आपका CAR निकल गया, ठीक है, ये मेन पॉइंट है बेसल 3 का। अब इसमें बोला कि जितना भी अमाउंट आया, अब इसमें एक बोला गया कि इंद्रधनुष नाम की योजना लॉन्च की, उसके तहत 70,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट देगी, उसके बाद भी तो काफ़ी कुछ बचेगा ना, 1.8 करोड़ में से 70,000 करोड़ दे दिया बैंक ने, उसके बाद जो बचा वो कहाँ से फुलफ़िल होगा? वो बैंक को खुद करना पड़ेगी, या तो बैंक लोन कम दे, अगर लोन कम देगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब मार्केट में क्राइसिस आ जाएगी कि भाई अगर लोन देगी नहीं, हाउसिंग लोन ये वगैरह ये सब बंद कर देगी बैंक तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बैंक को क्या करना चाहिए? बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट से बोले कि गवर्नमेंट बैंक को मतलब अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करना है, है ना, गवर्नमेंट को प्रेफरेंस शेयर्स बेच दे, उनसे पैसा ले ले, अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करे, ये सारी चीज़ें बैंक कर सकती है जिससे कि वो इस चीज़ को फुलफ़िल करे। ठीक है, ये तो हमारे हुए बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स बेसिकली मैंने बता दिया मीनिंग क्या है, कहाँ से आया, कैसे जन्म हुआ, कौन कौन सी चीज़ें हैं बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 में। अब मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू भी बता देती हूँ कि अगर जिन्हें नोट्स बनाने हैं उनके लिए यूज़फुल होगा, और जिन्हें सिर्फ थ्योरी समझनी थी तो उनके लिए यहीं तक वीडियो है, और अगर जिन्हें नोट्स बनाने हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आप इसे फर्दर आगे भी देख सकते हो और नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, नाउ मैंने कहा कि जिन्हें नोट्स बनाने हो तो वो इससे बना सकते हैं, PPT से। तो देखो, बेसल जो है एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड में, इसका इट इज़ एन हेडक्वार्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1930 को, ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, BIS हैज़ अ 60 मेंबर कंट्री फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं बता चुकी हूँ भाई 60 मेंबर कंट्री हैं पूरे विश्व से, जो कवर करती है 95% ऑफ द GDP। इनका सबका कॉमन गोल यही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, कॉमन बैंकिंग स्टैंडर्ड या कॉमन बैंकिंग नॉर्म्स या रेगुलेशंस रूल्स इनको सेटअप करना। ठीक है, CAR मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिक्वायरमेंट टू सेफ रिगार्ड द बैंक्स ऑपरेशन, भाई CAR मेंटेन करना जिससे बैंक के ऑपरेशन सेफ्टी से चलते रहें, है ना। BIS इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी है? सेंट्रल बैंक की, ये मैं बता चुकी हूँ। अब देखो, बेसल 1 में मेन फोकस किस पे है? क्रेडिट रिस्क पे किया जाएगा। कब आया था? 1988 में आया था, 11 साल बाद इंडिया अडॉप्ट किया था, इंडिया ने 1999 को अडॉप्ट किया था। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हमने बता दिया 8% है। बेसल 2 आया था 2004 में, इंडिया ने इसे
अडॉप्ट किया था 2009 में. मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेम है, 8% है. फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर एंड थर्ड पिलर है. इसमें फर्स्ट पिलर में मिनिमम कैपिटल है, सेकंड पिलर में सुपरवाइजरी रिव्यू है, थर्ड पिलर में मार्केट डिस्पेल है. एल की जगह यहाँ पे के है. ठीक है, नाउ बेसल थ्री मैंने बोला 2010 में आया. ठीक है, एग्जिस्टेंस में कब आया, जून. बी की जगह एन है. ठीक है, जून 2011 में. मेन एम्स यही थे इसके कि रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, बैंक में ट्रांसपेरेंसी लाना और डिस्क्लोजर्स के मामलों को देखना. ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें बेसल थ्री में आई थी. तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. एक चीज़ और मैं बता दूं, जो मैं उसमें बता रही थी, जो इम्पोर्टेंट था, आरबीआई ने एक्सटेंड किया था 31 मार्च 2019 से फॉलो होगा हमारा बेसल थ्री इंडिया में. अब इन्होंने ये बोला कि 120 करोड़ की जो मैं अभी बात कर रही थी, तो फॉर एग्जांपल सीएआर निकालना है ना, तो टीयर वन कैपिटल, टीयर वन प्लस टीयर टू कैपिटल डिवाइडेड बाय आरडब्ल्यूए, तो आरडब्ल्यूए 120 हो गया है ना. अब आपका इसका 9% ले लेंगे है ना, इसका 9% ले लेंगे. ठीक है, 9% इसका लिया जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे 9% लिया गया, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका इतना अराउंड आया है ना. जस्ट मिनट, तो 1.8 करोड़ आया. ठीक है, अब 1.8 करोड़ में क्या हुआ, 1.8 करोड़ आया. अब 1.8 करोड़ में बोला मैंने कि 70,000 करोड़ तो गवर्नमेंट ने बोला था इंद्रधनुष योजना के तहत दे देंगे, फिर उसके बाद बचा क्या, रेस्ट भी तो बचा. 70 करोड़ चला गया, तो रेस्ट कितना बचा आपका, 1.1 करोड़. 1.1 करोड़ बैंक कहाँ से फुलफिल करेगी, 1.1 करोड़ बैंक या तो अपने रिस्क वेटेड एसेट्स को कम कर दे है ना. अगर ये कम कर देगी तो इकोनॉमी में डाउन, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, तो ये तो कर नहीं सकती है. ठीक, नाउ नंबर टू पॉइंट ये है कि बैंक गवर्नमेंट को प्रेफरेंस शेयर दे दे है ना, प्रेफरेंस शेयर्स दे दे और उनसे पैसे ले ले. उनसे पैसे ले लेगी बैंक, प्रेफरेंस शेयर्स देने के बाद अगर उनसे पैसे ले लेगी तो यहाँ से वो कैपिटल अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती है. तीसरा ये भी कर सकती है, बैंक अपनी कैपिटल को इनक्रीज करे है ना, वो कैसे भी अपनी कैपिटल को इनक्रीज करे. तो आई होप ये समझ में आ गया होगा. So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning. And guys, videos pasand aaye to please like, share and subscribe karna mat bhuliyega channel ko. Thank you guys. Thank you for watching.